हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आप आपके आईफोन में बात करके टाइपिंग कर सकते हैं? कैसे करना है चलो देखते हैं। अब दोस्तों, आईफोन में वॉइस टाइपिंग ऑन कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको कीबोर्ड फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अभी मैसेज ओपन करके कीबोर्ड दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कीबोर्ड विजिबल हो रहा है, पर इसमें कहीं पे भी माइक का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक वॉइस टाइपिंग ऑन नहीं किया है। जैसे आप ऑन कर दोगे तो माइक का ऑप्शन कीबोर्ड के ऊपर विजिबल हो जाएगा। अब मेरे फ़ोन में ये रिटर्न बटन के नीचे आता है, आपके फ़ोन में ये स्पेस या फिर इमोजी वाले की के साइड में आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा फ़ोन है। ये यूजुअली आईफोन SE या जो होम बटन वाले आईफोन है उसमें स्पेस या इमोजी वाले की के साइड में मिल जाएगा। अब डिक्टेशन वाला ऑप्शन यानी कि वॉइस टाइपिंग वाला ऑप्शन ऑन कैसे करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नीचे जाइए कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड सेक्शन के अंदर आने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएंगे। नीचे आना है और इंग्लिश वाले सेक्शन में आप नीचे देख सकते हो एनेबल डिक्टेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप आपके फ़ोन में ऑल कीबोर्ड्स के नीचे चेक कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर इस पेज पे आपको कहीं पे भी विजिबल नहीं होता है तो आप सेटिंग्स में सर्च ऑप्शन में डिक्टेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हो और एनेबल डिक्टेशन का ऑप्शन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो एनेबल डिक्टेशन का टॉगल जो है दोस्तों वो आपको ऑन कर देना है और एनेबल डिक्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। नीचे डिक्टेशन लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन ऐड हो गया है, सिलेक्ट कीजिए और जो जो लैंग्वेजेस आपको चाहिए वो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। सामने टिक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा। तो सारी चीज़ें हो गई है। अब आपने देखा होगा मैंने डिक्टेशन जो है यहाँ पे मैन्युअली टाइप करके सर्च किया था। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप कीबोर्ड चेक कर सकते हो, अभी माइक का ऑप्शन भी नीचे आ गया है। अगर कुछ भी सर्च करना है माइक का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, आप बोलिए और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइप हो जाएगा, और बोलने के बाद माइक वापस बंद कर दीजिए वरना वो टाइप करते रहेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं अब ये काम कैसे करता है। मुझे एक्सेसिबिलिटी सर्च करना है तो माइक सिलेक्ट करूँगा एक्सेसिबिलिटी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोल दिया और उसने ऑटोमेटिकली कैच कर लिया है। अब ये सिर्फ आप सेटिंग्स में नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। अब फिलहाल के लिए मैं मैसेज में दिखा देता हूँ, मैसेज मैंने ओपन कर दिया है। अब बोलने के लिए माइक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, लेट्स प्लान अ ट्रिप टू गोवा, माइक बंद कर दीजिए और अभी आप देख सकते हो मैंने बस यहाँ पे बोला और इसने ऑटोमेटिकली टाइप कर दिया है। हिंदी में भी ट्राई करेंगे, गोवा की ट्रिप प्लान करते हैं, तो आप देख सकते हो इसने हिंदी में भी टाइप कर दिया, बट लेटर जो है इंग्लिश में ही है। अब ये हिंदी में इतना एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी ये गलत सुन लेता है या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा तो यहाँ पे गलत टाइप करता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट इंग्लिश में प्रॉपरली ये कैच करता है। अब एक और चीज़, अगर आपको हिंदी बोलकर हिंदी में ही टाइपिंग चाहिए, जैसे कि अभी देखा इंग्लिश में टाइप हुआ था बट हिंदी था, बट आपको हिंदी ही चाहिए तो ये माइक का ऑप्शन आप प्रेस करके रख सकते हो और इसमें आपको आप देख सकते हो लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए और अगर हिंदी चाहिए तो प्रेस करके रखिए हिंदी सिलेक्ट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, तो आप देख सकते हो अभी ये जो है हिंदी में टाइप हो चुका है। तो बस दोस्तों, यही सिंपल ट्रिक है, यही सिंपल स्टेप्स है जिसकी मदद से आप आपके आईफोन के अंदर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपके सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।